Hello, this is the lecture number 3 for the chapter polynomials of class 10th. And the last lecture we have discussed up to exercise 2.2. Now in this lecture we'll discuss exercise 2.3. And in this we have to divide the one of the polynomial by the another. And this topic also you have done in your lower classes, that is in 8th. You have done in the 9th also, you have divided the polynomials. Now again we'll discuss it. Again, we'll discuss in the detail. Now, you have to divide this polynomial by this. So, agar aapko kisi polynomial ko divide karna, this will be dividend and this will be quotient. So, you have to always write the polynomial in the standard form. Standard form kya hota hai? Ki decreasing power of x. Decreasing power of x hona chahiye. So, yahan par x ki power 4 hai. Cube wali term nahi hai. To 0x cube apni taraf se likho. Minus 3x square plus 4x plus 5. Standard ho gaya. Term nahi chutni chahiye. इसमें स्टैंडर्ड के लिए पहले x स्क्वायर फिर माइनस x प्लस 1. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. नाउ स्टार्ट डिवाइडिंग. अब आप इसको डिवाइड करिए. इसको इसे डिवाइड करना है. डिविडेंड क्वोशेंट एंड डिवाइजर विल फाइंड आउट कितना है यहां पर x की पावर 4. यहां कितना है x स्क्वायर. तो x की पावर 4 कैसे आएगा अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें. इसको कैसे आएगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 4 आ जाएगा. तो ये मल्टीप्लाई दिस बाय x स्क्वायर. तो इसको इससे डिवाइड करा x की पावर 4. इसको इससे डिवाइड करा माइनस x क्यूब. तो इसके नीचे लिखिए लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म प्लस एक्स स्क्वायर. इसके नीचे लिखिए ठीक है सिंपल मल्टीप्लाई करके. उसके बाद आप साइन चेंज करते हैं मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए. ये कैंसिल होना ही होना है. दिस विल कैंसिल आउट. तो जीरो प्लस वन वन एक्स क्यूब माइनस और माइनस सेम साइन ऐड हो गए फोर एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का फोर एक्स प्लस का फाइव. अब आपको एक्स क्यूब चाहिए. अब एक्स क्यूब कैसे आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है. तो ये एक्स क्यूब कैसे आएगा अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूँ. तो यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई करिए प्लस एक्स. तो इसको इससे करा एक्स क्यूब. इसको इससे मल्टीप्लाई करा माइनस का एक्स स्क्वायर. इसको इससे मल्टीप्लाई इट विल बी एक्स. वही साइन चेंज करते हैं माइनस का. दिस इज प्लस दिस इज माइनस. अगेन दिस इज कैंसल आउट. यू आर गेटिंग माइनस का फोर एक्स स्क्वायर प्लस का वन. तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर बचा. कितना हो गया फोर एक्स माइनस एक्स प्लस का थ्री एक्स प्लस का फाइव. अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर. यहाँ पर कितना है माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर. तो माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री. तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर. इसको इससे मल्टीप्लाई करा प्लस का थ्री एक्स. चेक करिए इसको इससे करा माइनस का थ्री. ये प्लस ये माइनस ये प्लस साइन चेंज करते हैं. ये कैंसिल प्लस का एट बच रहा है. तो इसमें रिमाइंडर बच रहा है. तो क्वोशंट ये हो गया रिमाइंडर एट हो गया. अगर ये जीरो आ जाता क्योंकि आगे पूछा है फैक्टर है कि नहीं. अगर रिमाइंडर जीरो आता तो हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है. यू नो इट व्हाट इज अ फैक्टर यू हैव डन इन क्लास नाइन्थ. अगर ये रिमाइंडर जीरो आ जाता तो विल से दैट दिस विल बी द फैक्टर ऑफ दिस. ठीक है. तो सिंपल पॉलिनोमियल्स का डिवीजन है. सिंपल पॉलिनोमियल्स का डिवीजन है. एंड टू स्टार्ट द डिवीजन यू शुड राइट द पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. जैसे ये है थर्ड पार्ट में. सो दिस इज एक्स की पावर 4 माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. तो इसमें पावर 4 है क्यूब वाली और स्क्वायर वाली टर्म नहीं है. तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर लिख लो पहले आप राइट लिट. स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया. और किससे डिवाइड करना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर से. तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स. तो डिविडेंड डिवाइजर. ये रहा डिविडेंड ये रहा डिवाइजर. ठीक है. अब क्या करना है यहाँ पर एक्स की पावर 4 लाना है. और क्या है हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर. तो किससे मल्टीप्लाई करके आएगा एक्स की पावर 4. अगर इसको हम माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स की पावर 4 आएगा. देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स की पावर 4 लाना. तो माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा. तो माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2. तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर. लाइक टर्म के नीचे लिखिए राइट वन बिलो द अदर लाइक टर्म्स. यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी हमने अपनी तरफ से लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए. ये साइन चेंज करते हैं आई डिस्कस्ड अर्लियर. ये कैंसिल हो गया. क्या बचा क्यूब वाली टर्म तो खत्म ही कर दो आप. कितना हो गया प्लस का टू एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का सिक्स. कितना लाना है यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर. यहाँ पर कितना है माइनस का एक्स स्क्वायर. तो माइनस टू से कर दें केवल. तो प्लस का टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा. माइनस का एक्स स्क्वायर है टू एक्स स्क्वायर चाहिए. तो कितने से मल्टीप्लाई करें इसको माइनस टू. तो माइनस टू से इससे करा प्लस का टू एक्स स्क्वायर. इसको इससे करा माइनस का फोर. इसके नीचे हो गया लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म. साइन चेंज करते हैं माइनस का ये प्लस ये कैंसिल हो गया. तो माइनस का फाइव एक्स प्लस का टेन. सिक्स प्लस फोर टेन. अब हम बोलेंगे सिक्स प्लस फोर प्लस टेन. सिक्स प्लस फोर टेन फाइव एक्स एज इट इज. अब ये बोलेंगे इसका रिमाइंडर है. वाई इट इज रिमाइंडर बिकॉज जब डिग्री
आपकी डिवाइजर से स्मॉलर आ जाए। इसकी डिग्री कितनी है? टू। इसकी डिग्री कितनी है? वन। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कम है डिवाइजर से, तो देयर फोर दिस विल बी द रिमाइंडर। तो क्वेश्चन आपका ये हो गया, रिमाइंडर आपका ये हो गया। ओके, तो सिंपल डिवीजन है ये, ओनली सिंपल डिवीजन, एंड यू आर डूइंग दिस डिवीजन फ्रॉम क्लास 8 एज वेल एज यू हैव डन इन क्लास 9। स्टिल वी आर डिस्कसिंग इट। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन यू हैव टू डिवाइड इट एंड यू हैव टू फाइंड वेदर द गिवन पॉलिनोमल इज द फैक्टर और नॉट। ये फैक्टर के लिए मैंने आपको पहले से ही बता ही दिया है, आपको ये पता करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर टू के फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा सेकंड वाला पॉलिनोमल दे रखा है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले का फैक्टर है कि नहीं। तो सिंपल डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है देन विल से दैट इट विल बी